अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट में लिखिए कि आपको ये ट्यून कैसे लगी और नेक्स्ट ट्यून क्या सीखना चाहते हो। हाय, वेलकम टू musicschool.in। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको हम KGF फिल्म का मदर ट्यून सिखाएंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें रिकमेंड किया था, रिक्वेस्ट दिया था कि ये मदर ट्यून हमें कीबोर्ड पे सीखना है, तो आज आपके लिए लेके आए KGF फिल्म का मदर ट्यून। आपने देखी ये ट्यून किस तरह से प्ले होती है, अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे ये वाली ट्यून, ट्यून की बिगनिंग में भी आती है और एंड में भी आती है। शुरू भी यहीं से होता है, एंड भी यहीं से होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। शुरू होगा सी शार्प से, यह ट्यून बी फ्लैट माइनर स्केल में है, कुछ पार्ट उसका मेजर में कन्वर्ट हो जाता है, बट थ्रू आउट द ट्यून इज इन बी फ्लैट माइनर में है। तो मैक्सिमम ब्लैक कीज इसमें यूज होता है, तो खास ध्यान रखिए ब्लैक कीज के लिए हमें फिंगरिंग भी थोड़ी मॉडिफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली हम ब्लैक कीज में थंब यूज नहीं करते हैं, पर इस ट्यून के अंदर हमें लेना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम नोट्स आपकी ब्लैक कीज में यूज होगी और ब्लैक कीज में मैक्सिमम नोट्स यूज होने के कारण हमें थंब भी लेना पड़ेगा ब्लैक कीज के ऊपर, तो वो ध्यान में रहे। क्योंकि इसके पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि ज़्यादातर हम ब्लैक कीज पे थंब या फिर फिंगर यूज़ नहीं करते हैं, पर स्पेशल केस में हम यूज़ करते हैं। जब इस तरह का स्केल होता है तब हमें ब्लैक कीज पे थंब या फिफ्थ फिंगर यूज़ करना पड़ता है, तो इस सॉन्ग में हम यूज़ करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट लाइन सी शार्प से यूज होगा, फिंगर सी शार्प में, सेकंड फिंगर सी पे, फर्स्ट फिंगर यानी थंब, बी फ्लैट पे थर्ड फिंगर, फिर से एक बार स्लो में एक बार, उसके बाद आपको थंब में जाना है, बट जी शार्प को टच करके जाना है। जैसे ये हल्का सा टच कर रहा है जी शार्प को सेकंड फिंगर से, एफ शार्प पे फर्स्ट फिंगर मूव हो गया आपका, फिर से एक बार से एक बार स्लो में, और एक बार स्लो में, ये हो गया फर्स्ट लाइन आपका पार्ट वन का। उसके बाद सेकंड लाइन में आपको ई फ्लैट शुरू करना है, जैसे आपकी सेकंड फिंगर यहाँ पे आ गया, फोर्थ फिंगर को आपको स्ट्रेच करके ई फ्लैट पे लेके जाना है, फोर्थ फिंगर ई फ्लैट पे, सी पे अगेन थंब, एंड यहाँ पर बी फ्लैट पे थर्ड फिंगर, फिर से एक बार, ऑलमोस्ट 80% ट्यून आपकी फर्स्ट लाइन जैसे ही है। सेकंड लाइन में इनिशियल ई फ्लैट आएगा और एंड में हम बी फ्लैट पे रुकेंगे, वो खास ध्यान रखिए। फिर से रिपीट सेकंड लाइन, तो ये हो गया आपका पार्ट वन ए। अब हम जाएंगे पार्ट टू में, पार्ट टू ए, टू में देखिए हो गया आपका पार्ट टू यानी सेकंड पैरा। समझ लीजिए पार्ट, इसलिए हम कह रहे कि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट कभी रिपीट करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको समझ सके। इसलिए हर पैराग्राफ को हमने पार्ट के नाम पे आपको नेमिंग किया हुआ है। पहले पार्ट वन था, अभी पार्ट टू चल रहा है। तो पार्ट टू चल रहा है एफ में, हाई ऑक्टेव का एफ से, फोर्थ फिंगर रखना है आपको,
फिर से स्लो में, वन मोर टाइम, अब सेकंड लाइन, फिर से रिपीट, स्लो में ई फ्लैट से, और स्लो में, ये हो गया आपका पार्ट टू, एक बार देख लेंगे। ये जो पार्ट है वो फास्ट होएगा, एक्चुअली सिर्फ फास्ट में सी शार्प एंड E फ्लैट, C शार्प और C फास्ट बजेगा, खास ध्यान रखिए तो ही उसकी फील मिलेगी। फिर से एक बार, इस तरह से आपको प्ले करना है पार्ट टू। तो अब तक हमने दो पार्ट सीख लिया, अब हम सीखेंगे पार्ट थ्री जो होगा उसमें नोट्स चेंज हो गया। अब तक हम सी शार्प लेते हैं, उसकी जगह पे हम डी लेंगे। फिंगर शिफ्ट हो रहा है वो भी ध्यान में रखिए। रिपीट अगेन, यहां पर देखो शिफ्ट कर रहे हैं हम एफ पे, पहले फोर्थ लेंगे उसके बाद थंब ले लेंगे, ये देखा आपने। अब ये जो है एफ शार्प, एफ एंड ई फ्लैट, तो उसको आपको जैसे यहां पर हमने पार्ट टू में एंड में सीखा था, इसी तरह यहां पर भी आएगा स्लो में, वन मोर टाइम, फिर नेक्स्ट लाइन स्लो में, सेकंड फिंगर ई फ्लैट पे, एफ पे वन, एफ शार्प पे टू एंड जी शार्प पे थर्ड फिंगर। स्लो में थर्ड लाइन, वन मोर टाइम स्लो में, अब देखें फिंगरिंग कैसे लेना है। एफ पे वन लिया है, एफ शार्प पे सेकंड फिंगर, बी फ्लैट पे हमने थर्ड फिंगर लिया है स्ट्रेच करके, सी पे फोर्थ फिंगर, अगेन बी फ्लैट पे थर्ड फिंगर, और यहां ए लेना है सेकंड फिंगर से। ध्यान से देखिए, स्लो में देखेंगे, अब थर्ड पार्ट एक साथ में देख लेंगे हम पूरा। और एक बार स्लो में,
तरह से आपने पार्ट थ्री का तीनों तीन लाइन कंप्लीट कर लिया है फिंगरिंग के साथ। अब आइए उसकी मेन ट्यून पे देखते हैं पार्ट फोर में। शुरू होगा ई फ्लैट से, थर्ड फिंगर लेना है आपको, एफ पे फोर्थ फिंगर जाएगा, सी शार्प पे सेकंड, सी पे वन, बी फ्लैट पे थर्ड फिंगर, जी शार्प पे सेकंड फिंगर, फर्स्ट लाइन। स्लो में अब पार्ट फोर का सेकंड लाइन देखेंगे। सेम प्रोसेस से आपका ई फ्लैट से शुरू होगा, फिंगरिंग भी वही है, सिर्फ लास्ट में नोट थोड़ी अपडेट करना है, इम्प्रोवाइज करना है। देखा लास्ट में हमें सी सी शार्प सी फास्ट बजाना है और बी फ्लैट पे आके रुकना है। जो फर्स्ट लाइन में हम सी पे रुकते थे, यहां पर हमें ये प्ले करके बी फ्लैट पे आके रुकना है। आइए देखते हैं सेकंड लाइन फिर से। वन मोर टाइम इस तरह से आपकी पूरी ट्यून कंप्लीट हो गया। सभी पार्ट को लाइन बाय लाइन, नोट्स बाय नोट्स और फिंगर के साथ आपको सिखाया हुआ है। जहाँ भी डिफिकल्ट होती है जिस लाइन में, उस लाइन पे पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तो आसानी से आपका एक से डेढ़ घंटे में ये ट्यून मेमोराइज हो जाएगा, याद करके तैयार हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, ध्यान से प्रैक्टिस करके फिंगरिंग को भी खास ध्यान में रखिए। फिंगरिंग अगर ठीक से नहीं होगी तो आपकी ट्यून स्मूथली नहीं प्ले होगा, इतना स्वीटली प्ले नहीं होगा, खास ध्यान रखिए। पूरा टेक्निक फिंगरिंग पे है, क्योंकि वैसे भी बी फ्लैट माइनस स्केल में ब्लैक की ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिंगरिंग बिगड़ता आपका ये ट्यून कंप्लीट नहीं होना है। तो रिक्वेस्ट है, ध्यान से फिंगरिंग को फॉलो कीजिए। इसी तरह के और भी लेसन आपको सीखना है तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए musicschool.in पे। वहाँ पर आप फिल्म सॉन्ग्स, स्केल, कॉर्ड्स, फॉर्मेशन, फॉर्मूला, आरपेजियो, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक्स, थियरी, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक का ग्रेड थियरी, वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, सब तरह के लेसन आपको हमारी वेबसाइट के कोर्स में आपको सीखने मिलेंगे। तो आज ही जुड़िए हमारे वेबसाइट पे हमारे कोर्स के साथ। थैंक यू।